हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ नीरज एंड यू आर वॉचिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई शीट है, अगर हम शीट को दोनों साइड से फोल्ड करते हैं देन दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। एरिया क्या हो जाएगा, जितनी इस शीट का एरिया होगा दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट ये लेंथ क्या हो गई, लेंथ को जब हमने फोल्डिंग की इसकी तो ये बन गई इसकी टोटल लेंथ ऑफ दिस बेस। और इस बेस की लेंथ कितनी है, ये एक सर्कल है, सर्कल की लेंथ कितनी है दैट इज़ 2πr। और इसकी ब्रेड्थ कितनी है h। सो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या आ जाता है, 2πrh। सो वी हैव फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर दैट इज़ 2πrh। नाउ व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया, इस केस में ये वाली साइड जो है वो यहाँ से भी ओपन है और बॉटम से भी ओपन है। ठीक है, सो हमें ये वाला पोर्शन भी अटैच करना है और बॉटम वाला भी अटैच करना है। सो इस पोर्शन का एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, अगेन द एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज आल्सो पाई आर स्क्वेयर। सो व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ 2πr² हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सो हमारे पास आ जाएगा दो टॉप और बॉटम पे हमने अटैच करके हमारा एरिया कितना बढ़ गया, 2πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया जो अभी अभी हमने निकाला। यहाँ पे हम r कॉमन ले लेंगे एंड हमारे पास वी हैव दिस फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया। सो इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी हैव हियर फर्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। पहले हम लिख लेंगे कि इसकी हाइट कितनी दी है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया है दैट इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। नाउ व्हाट वी नो, वी नो बाई फॉर्मूला द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh। सो विल बी राइट कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2πrh। नाउ दिस इज कर्व सरफेस एरिया एंड बाई फॉर्मूला दिस इज ऑल्सो कर्व सरफेस एरिया, सो दे आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज 2πrh विल बी इक्वल टू 88। यहाँ पर आपको हाइट h दी हुई है, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू, r की वैल्यू आपको निकालनी है अभी, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 88। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डायामीटर और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस, दिस इज डायामीटर। तो इन दो वैल्यूज़ को हम इस साइड रखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद ले जाएंगे दूसरी साइड, दिस इज 7 × 2 = 14। सो 2r विल बी इक्वल टू 88 और ये 22 और ये 2, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड में हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 = 4, 2r इज डायमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो डायामीटर ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 2 cm, दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 m एंड बेस डायामीटर इज 140 cm फ्रॉम अ मेटल शीट, हाउ मैनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। इसका मतलब ये है कि कितनी शीट हमें चाहिए इन स्क्वेयर मीटर्स। सबसे पहले ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम
मीटर में, कितने शीट हमें चाहिए क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए। क्लोज सिलेंडर मतलब इसका अपर पोर्शन भी कवर होगा और बॉटम पोर्शन भी कवर होगा। सो एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें अपर पोर्शन भी इंक्लूड हो रहा है और बॉटम भी, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। सो वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला इन फाइंडिंग द हाउ मैनी स्क्वेयर शीट इज रिक्वायर्ड। सो डायामीटर कितना दिया है हमें, 140 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे रेडियस, दैट इज़ 140 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को कर लेते हैं हम मीटर में कन्वर्ट, सो दिस इज 0.7 मीटर। नाउ व्हाट इज़ द हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 1 मीटर। नाउ शीट जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी, दैट इज टोटल सरफेस एरिया 2πr × r + h। ठीक है, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, r की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और h की वैल्यू ये। सो लेट वी पुट ऑल दीज वैल्यूज, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, दिस इज 44 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो आएगा ये। ठीक है, इसको जब इसमें ऐड करेंगे दैट इज़ 1.7। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ एरिया ऑफ द टोटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर। ठीक है, इजी। सो दिस इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू वे हाउ वी फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ वी फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।